हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो है गेट लाइफ साइंसेज को लेके, कि गेट लाइफ साइंसेज जो 2022 में आ रहा है उसके लिए आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो की थी और वही मैं आपको बताऊंगी भी, और ये आपके काम भी बहुत अच्छे से आएगी आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था गेट बायोटेक में कि जो हमारा 2 मिनट, कि जो हमारा गेट है वो क्लियर करना बहुत इजी है। क्लियर तो हो जाता है, बट मेन है रैंक। रैंक अच्छे से लेके आना, मतलब मार्क्स जो है वो अच्छा स्कोर करना, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। और बाकी फिर से वही सेम चीज़ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम को फिल कीजिए, और फिल कर दिए हो तो उसके बाद उसका सिलेबस देखिए, ठीक है। हम सिलेबस देखेंगे। तो ये है हमारा गेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें आती है केमिस्ट्री, और ये जो सब्जेक्ट है ये है कंपल्सरी, ठीक है, जितने भी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इसमें से मैंने तो बहुत ही कम क्वेश्चन किए थे, और जितने भी मैंने गेट केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे वो बिल्कुल मेरे सही थे, एक भी गलत नहीं था। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि नेगेटिव मार्क्स तो हैं, मतलब उनकी, मतलब आप चांस रखिए ना कि वो क्वेश्चन जो है नेगेटिव हो, आता है बिल्कुल सही करके आइए, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम ये देखते हैं, पहला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, मतलब केमिस्ट्री जो है वो आप अच्छे से, इसके मतलब सारे टॉपिक तो नहीं बट जो आपके फेवरेट हैं वो कर लीजिए, मैं ये बोलूँगी। और बाकी इसके लिए सबसे अच्छा है PYQ, मतलब केमिस्ट्री को टारगेट करना है ना, तो जितने भी PYQs हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए, ठीक है। 10 साल के देखोगे तो भी बहुत है, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, वह बाकी तो ये सारे सब्जेक्ट्स के देखने हैं, उनको देखिए और उनको ही याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड टॉपिक देख लीजिए, आपका केमिस्ट्री आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। केमिस्ट्री का जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो अभी जैसे सेक्शन एक है, इसमें से आप देख सकते हैं कुछ भी जो आपको, जो आपका सही लगे, जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब चीज़ें हम बाई केमिस्ट्री में भी डील करते हैं, ठीक है। और ये हो गया, और जैसे कि दूसरा आ गया सेक्शन 2, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन डबल्स, आयनिक रेडिएशन, लैटिस, ये सब कुछ जो है ना, ये बाई केमिस्ट्री में आप देखोगे ना तो फर्स्ट ही टॉपिक है ये, बायो मोलिक्यूल्स एंड द इंट्रैक्शन वाली जो हमारी यूनिट है ना, उसमें जो CSIR के लिए हम टारगेट करते हैं, तो उनमें भी ये हम चीज़ें पढ़ते हैं बॉन्डिंग, तो ये वहाँ से टारगेट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, और SPD, ब्लॉक, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि ये भी बायो केमिस्ट्री में आती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि PYQ के अकॉर्डिंग जो है केमिस्ट्री को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी बायो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसमें भी ये कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन 9, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पेप्टाइड्स, DNA सीक्वेंसिंग, हेक्सोलिपिड्स, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं हम, अब इसमें आता है, ये तो हो गया केमिस्ट्री जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा तो क्या, मतलब बोल सकते हैं कि कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास आती है चॉइसेस, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि एक कर लिया हमने यहाँ पे, कौन सा कर लिया, जैसे ये क्यू बोल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और ये आएगा, अब इसमें आएंगे आपको चांसेस, मतलब वो ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन सा करना है, बायोकेमिस्ट्री, दूसरा आ गया बॉटनी, फिर बॉटनी के बाद है हमारा, बॉटनी के बाद है माइक्रोबायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी के बाद है जूलॉजी, फिर है फूड टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक था माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एक है बॉटनी, एक है सॉरी जूलॉजी, जूलॉजी, और एक है हमारा कौन सा था, फूड,
टेक्नोलॉजी। अब इसमें करने हैं होते हैं हमें 1 2 3 4 5, टोटल हो गए ये 5। और इसमें से पता कितने करने हैं, 5 में से करने हैं हमें 2। दो ही सेक्शन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और फिर अब बताओ आप, गेट क्यों नहीं हो सकता यार, गेट आराम से क्लियर हो सकता है। जो तो स्टूडेंट जितने भी CSIR को टारगेट कर रहे हैं, फिर से वही बात, ICMR को टारगेट कर रहे हैं, DBT को टारगेट कर रहे हैं, वो तो भाई आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस रही बात स्कोर की, वो आपको दिलाएगा आपका फेवरेट। जिस फेवरेट बोले तो फेवरेट बोलने का मतलब सॉरी ये है कि आपका जो है स्ट्रोंग स्ट्रोंग पकड़, मतलब स्ट्रोंगेस्ट जो सब्जेक्ट है ना, जिसको आपको लगता है कि भाई ये मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर सकती हूँ, वो होगा आपके लिए आपका स्कोरिंग जो आपको दिलाएगा अच्छा रैंक। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये है, जिसने की है MSc बायोकेमिस्ट्री उसके लिए होगा बायोकेमिस्ट्री, जिसने माइक्रोबायोलॉजी की है उसके लिए होगा माइक्रोबायोलॉजी, जिसने की है बॉटनी MSc इन बॉटनी वो बॉटनी होगा, जिसने जोलॉजी की है उसने जोलॉजी होगा, जिसने फूड टेक की है BTech MTech बायोटेक जो भी है तो उसके लिए होगा फूड टेक्नोलॉजी। और साथ में देखिए, एक तो हमें करना ही है ना। अब जैसे कि मान लो जिसने की है बायोकेमिस्ट्री में MSc, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस बच्चे ने थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि अपना माइक्रोबियल या बॉटनी ना पढ़ी हो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं कंपल्सरी वो ना पढ़ी हो तो उसको टारगेट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जैसे कि CSIR के लिए तैयारी कर रहा है, तो भाई उसकी तो प्लांट फिजियो भी स्ट्रोंग होगी, और प्लांट फिजियोलॉजी जैसे कि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो पढ़ ही रहा होगा। और साथ में जोलॉजी, चलो जोलॉजी का डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, हो सकता है कि ये सब्जेक्ट बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अगर CSIR की तैयारी कर रही हूँ तो मैं डेप बायो पढ़ती हूँ, बट मैं एनिमल नहीं पढ़ती। ठीक है, तो मैं क्या चूज़ करूँगी, मैं बॉटनी करूँगी या बायोकेमिस्ट्री करूँगी, दो सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। ठीक है, और जिनकी फूड टेक्नोलॉजी इसमें मास्टर्स है तो वो तो ये चूज़ करेगा ही, बाकी वो बायोकेमिस्ट्री, तो भाई बायोकेमिस्ट्री तो कोर सब्जेक्ट है ना। अगर मेरा बोलने का मतलब ये कि जिस जो बॉटनी जोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी कुछ भी कर रहा है उसका बायोकेमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट होगा, तो वो बायोकेमिस्ट्री जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब बायोकेमिस्ट्री उसका सेक्शन होगा ही होगा, तो बायोकेमिस्ट्री तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और रही अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस की बात, सेक्शन ए में जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जितने भी हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स थी, इनके स्ट्रक्चर फंक्शन, तो ये हम सारा CSIR में कवर करते हैं। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेट बायोटेक के लिए भी, लाइफ साइंसेज हर चीज़ के लिए, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, और ये वाला जो है ना बायोकेमिकल सेपरेशन, यही टेक्निक हम क्या पढ़ते हैं CSIR के लिए, यूनिट 13 के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी, ये सब चीज़ें हम पढ़ते ही हैं। DNA रेप्लिकेशन, ये आ गया हमारा मोल बायो, ठीक है, ये आ गया सेल बायो। तो भाई ये सब्जेक्ट तो जो है वो तो इग्नोर करना ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री तो आपको टारगेट करना ही है, क्योंकि इसमें जो हम करेंगे तो वो होगा हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट, ये आप देख सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में आ गया हमारे पास, मतलब जो बायोकेमिस्ट्री है ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें हमारा CSIR जो लाइफ साइंसेज है इसमें कितनी यूनिट कवर होगी, सेल बायोलॉजी हो गई, मोल बायो कवर हो गई, टेक्निक्स का थोड़ा सा पोर्शन कवर हो गया, बायोकेमिस्ट्री 4 यूनिट, सेक्शन 5 6 ये 5वीं हो गई। ठीक है, मोल बायो, सेल बायो, इम्यूनो जो यूनिट 4 है ना सेल कम्युनिकेशन वाली उसमें आता है, ठीक है, ये हो गया बायोकेमिस्ट्री 1st यूनिट, ठीक है, और टेक्निक्स 13 यूनिट। तो अब ये चीज़ जो तो CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है ये, और इसी से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, जैसे कि ये तो सबके लिए हो गया, बॉटनी हो गए, जूलॉजी हो गए, फूड टेक हो गए, माइक्रोबायोलॉजी हो गए, सबके लिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बॉटनी, जो MSc बॉटनी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और स्कोरिंग होगा। बाकी जो CSIR प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो प्लांट फिजियो भी कर ही रहे होंगे, तो वो भी आराम से इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी सिलेबस मतलब मिलता जुलता ही होगा। एनाटॉमी थोड़ा हम नहीं पढ़ते हैं CSIR वाले, बट ये डेवलपमेंट ये सब चीज़ें तो सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ते हम, प्लांट सिस्टमेटिक्स भी नहीं पढ़ते,
बट आप पी वी आई क्यूज देखना, उसमें देखना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से वाले पोर्शन से पूछते हैं, क्योंकि गेट के लिए जो है ना क्रैमिंग वाला काम होता है, इसमें मतलब कंसेप्ट कम क्रैमिंग ज़्यादा होती है। मतलब आप याद करो एक चीज़, आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। और अब तो ये भी आते हैं MSQ, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस आते हैं गेट में, जिसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई तुक्का लगाना चाहे तो लगा सकता है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कोशिश यही करनी है कि जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें नेगेटिव मार्किंग ना करो, ठीक है। अगला ये हो गया, इसमें सिलेबस प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये तो हम सारा पढ़ते हैं CSIR में, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ये भी कवर करते ही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफ, जीनोम एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक, ठीक है। अप्लाइड बॉटनी, अप्लाइड कम पढ़ते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी ये भी कम पढ़ते हैं। तो ये ऐसे ऐसे हैं मतलब, पर आप जो क्वेश्चंस देखोगे ना, आप बहुत, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बस PYQs करके जाना। माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस भी ऐसे, मैं आपको एक एक करके डिक्टेट करूँगी तो बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज़ ये सारे सब्जेक्ट देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टारगेट किया था बायोकेमिस्ट्री और किया था प्लस बॉटनी, ठीक है। इन दोनों में ही आराम से आपका गेट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, माइक्रो वाले तो ऑब्वियसली माइक्रो ही करेंगे, ठीक है। और इसका सिलेबस भी देख लीजिएगा, जोलॉजी वाले भी, जोलॉजी वाले देखिए एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, सेल बायो, ये सब कुछ वही तो है जो हम CSIR में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आई है इसमें, देखिए ये, ठीक है, ये भी हो गया। वैसे ही इकोलॉजी भी हम पढ़ते ही हैं, तो इनके लिए भी अच्छा है यार, जोलॉजी भी अच्छा है। और बाकी कौन सा हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तो फूड वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी ये तो मैं नहीं अटेम्प्ट करती, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स सब कुछ याद करना पड़ता है। तो ये था हमारा गेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी अब बात करते हैं थोड़ी सी टाइम टेबल की, ठीक है। तो टाइम टेबल आप कैसे सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि अभी नवंबर चल रहा है, तो आप मिड से भी स्टार्ट करते हो, तो आपके पास 2 months and 15 days अप्रोक्सीमेट होंगे फैब तक, ठीक है। तो अब हमें, मैंने जैसे जैसे मैंने आपको गेट बायोटेक का बताया था ना, वैसे सेम इसको भी करना है फॉलो। सबसे पहले हर संडे या कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए, उसमें आपको जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, मतलब फर्स्ट 6 days, जैसे कि मंडे टू सैटरडे आपने जो भी टॉपिक कवर किया किसी सब्जेक्ट में, उन उनसे रिलेटेड यहाँ पे करने हैं क्वेश्चंस। और कोशिश कीजिए PYQ, और PYQ सिर्फ गेट के ही नहीं, आप PYQ DBT के देख सकते हो, CSIR पार्ट बी के देख सकते हो, और साथ में कौन से देख सकते हो, ICMR, ये सब देख सकते हो, JNU देख सकते हो, ठीक है, JNU PhD वाले, ये सब, ठीक है। ये चीज़ें होगी, ये भी हो गया। और बाकी लास्ट के जो जैन का जो लास्ट के 10 days होंगे ना, उसमें क्या होगा, उस टाइम आपका सिलेबस भी, उस तब तक आपका सिलेबस कवर हो गया होगा, प्लस PYQs टॉपिक वाइज कवर हो गए होंगे। तो अब आपको करने हैं क्वेश्चन पेपर्स, और क्वेश्चन पेपर जो करने हैं वो लास्ट एटलीस्ट, मतलब लास्ट 10 years, 21, तो इससे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए और उनको कीजिए सॉल्व, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को देखना है कि वो क्यों नहीं हो रहे हैं, और उनकी पूरी मतलब डिटेल में देखना है टॉपिक, अगर कोई नया है तो उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, ठीक है। और रही बात प्रिपेयर करने की, तो यूट्यूब पे आजकल फ्री भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और बुक्स अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से ही पेपर्स आते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो कीजिए, या फिर जिसके थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं वो पाथफाइंडर जा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया जाता, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये ऐसे कर सकते हो, बाकी बीच में कुछ, वैसे तो मैंने सब कुछ ही बता दिया है, मैंने ऐसे ही किया था, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी बहुत टाइम है और आप अच्छे से जो है गेट क्लियर कर सकते हो, बाकी करने वाले तो 1-2 हफ्ते में भी कर लेते हैं, वो इसलिए होता है कि उनको जस्ट क्लियर करना होता है, बट अगर आपको रैंक अच्छा लाना है तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना होगा,
तो ये थी स्ट्रेटेजी गेट के लिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ गाइस, जो मैंने अभी इंस्टा पे एक पेज भी बनाया, तो इंस्टा पे जो मेरी पेज का जो नेम है वो यही है, लाइफ प्लस साइंस, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आप अपनी स्टडी जो है वो डट के कीजिए और एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए। बाकी जो भी कुछ भी क्वेरीज हैं वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।